वेलकम टू द हिंदी इंग्लिश। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का नवोन्मेषन केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? ए कृष गोपाल कृष्णन, बी राहुल सचदेवा, सी उर्जित पटेल, डी बिमल जलान। इसका उत्तर है कृष गोपाल कृष्ण। कृष गोपाल कृष्ण को भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषन केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ये इन्फोसिस के संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रॉमिस लैंड किताब का विमोचन किया है? ए विलियम क्लिंटन, बी जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, सी बैरक ओबामा, बी जॉर्ज वॉकर बुश। इसका उत्तर है सी बैरक ओबामा। बैरक ओबामा ने प्रॉमिस लैंड किताब का विमोचन किया है। इसमें उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जमकर तारीफ की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन का फैसला किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी झारखंड। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को 12 बजे होगी। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी भारत। इसका उत्तर है डी भारत। कोरोना वायरस के चक्कर में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया है। कब तक किया है? 2021 तक कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में परिवर्तन निदेशालय ईडी के निदेश संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। इसका उत्तर है 1 साल। संजय कुमार मिश्रा इसी साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, पर उनका 1 साल के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? ए 5 करोड़ रुपये, बी 3 करोड़ रुपये, सी 1 करोड़ रुपये, डी 4 करोड़ रुपये। इसका उत्तर है 1 करोड़ रुपये। ये जुर्माना नियमों का नहीं मानने पर लगाया जाता है, इसे ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये हरियाणा, बी गुजरात, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका उत्तर है हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान की घोषणा की है? ये 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका उत्तर बहुत आसान है, हमें कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस डेली पाने के लिए हमारे वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है thehindienglish.in। थैंक्स फॉर वॉचिंग।